इस वक्त मौजूद है लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर किसानों की महापंचायत कराई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ किसानों का जो है हमारी सरकार ने भयंकर रूप दिया है, जो इन्होंने किसानों की बात समझ में नहीं आ रही। यह जो है गाय का पिया है तो ये जान बूझकर हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में चला की और कुछ नहीं बनेगी। तो ये चीजें पूरी नहीं होती है तो आने वाले कुछ घंटों में हम शहर का एक एक कोना जाम कर देंगे, यानी कि सड़कों पर चक्का जाम करने की चेतावनी किसानों की तरफ से जारी की गई है। और यहाँ पर हम जो कुछ किसान खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती या नहीं। क्योंकि मन को छोटा करता है, क्योंकि हम एक ही मांग को लेकर बार बार सरकारों के सामने आते हैं, पार्टी की सरकार उसको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं निकाल लेती है। सबसे बड़ी समस्या आज पालतू पशु भारतीय किसान की बात कर रहे हैं तो सरकार से आप जो मांगे कर रहे हैं अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। और अगर जो आगे क्या करने के लिए आप सोच रखे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आप नियुक्त विधानसभा कुछ करेंगे सारे किसान अगर हम लोगों की मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आगे हम लोगों का विशाल आंदोलन जो अनिश्चितकालीन होगा। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि सरकार हमारी जो मांगे हैं वो तत्काल पूरी करे, अन्यथा हम लोग विशाल आंदोलन। राकेश जी हैं उनका क्या कहना है? राकेश टिकैत जी नहीं है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी हैं। राजेश सिंह चौहान जी उनके वो हम लोगों की समस्याओं के लिए यहाँ पर आए हैं, जो हम लोगों किसानों की मूल समस्याएं हैं उनको लेकर यहाँ पर आए हैं सरकार से वार्तालाप करने। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम लोग विशाल आंदोलन। अरे उसमें जो है आवारा पशु है, हमारे जो है जनपद बाराबंकी के अंतर्गत तहसील फतेहपुर में एक मंडी है जिसका आदेश नहीं हुआ है, उस आदेश के लिए अन्य बहुत सी मांगे 20 मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग यहाँ पर। अभी हमने देखा यहाँ पर यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सरकार तो कह रही है कि किसानों की आय जो है दुगनी हो रही है। दुगनी नहीं, हमारी हाय दसगुनी हो गई। आय दुगनी नहीं, हमारी हाय दसगुनी हो गई। सरकार ने यह काम किया, हमारा गन्ने का दाम बढ़ गया, हमारी लागत बढ़ गई। जो दुगनी सरकार आय बता रही तो हमारी लागत तो बढ़ गई, दुगनी हो गई और हमारी आमदनी घट गई। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, पिछले साल का जो गन्ना हमारा टूटल गया तो वो अभी तक पेमेंट हमें भुगतान नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है कि आने वाला जो दिन है उसमें किसान जो है हवाई जहाज से चलेगा तो कैसे चलेगा? किसान की तो एक कपड़ा भी निकाले लगभग नहीं चलने दे रही है सरकार, हवाई जहाज से कहाँ चल जाएगा किसान? तो ये लंगोटी छोड़ेंगे पता ऐसा लग रहा है, बाकी कपड़े भी उतार देंगे। हमने कह दिया कि हम जो है सिंचाई बिल जो है माफ कर देंगे किसानों का, आदेश ही कर दिया, आज तक माफी नहीं किया। तो सरकार केवल मंच पर कहती, चुनावी मंच पर किसानों के लिए कहती है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। गौशाला बनवा दिए, उसमें जो है हमारे जो जानवर एक आधे हैं भी वो भी भूखे मर रहे हैं, उनको जो है खाना पीना मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है चारा पानी की उनकी। सब अधिकारी लोग मिल के खा जाते हैं, किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान के नाम पर बंदर बांट हो रहा है, सरकार बंदर बांट रही है किसानों के नाम पर। सही ये बात बिल्कुल सही है। और हम भी जो है गौरक्षक हैं, हम चाहते हैं गाय माता की जान बचनी चाहिए, लेकिन इन्होंने योगी जी ने कहा हम गौरक्षक रहे हैं, गौरक्षक के नाम पर गौ भक्षक हो गए। गाय सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज गाय के चोट लग रही है और भूखी मर रही है वे। हम चाहते हैं कि वो सरकार 50 रुपए दे रही है रोज का, पहले 30 रुपए देते हैं 50 कर दिए, तो वो 50 रुपए क्यों ना किसान को दे दिए जाओ जो हमें गोवन छोड़ना पड़ रहा है अनुकूल की, तो हम अपने पास रखेंगे उसे। तो सरकार हमें ना देख के वो गौशाला में जाएगी, गौशाला में उन्हें चारा नहीं मिलता, किसान कभी भी अपने पशु को भुगतान रखता। अगर हमारे पास जो भी जीव होगा हम उसे भुगतान रखना, हम खुद भुगते रह सकते हैं, तो वो पैसा हमें दिया जाए। आजाद नहीं हुआ 75 साल में, भारत देश आजाद हो गया लेकिन किसान आजाद नहीं हो गया, क्योंकि किसान अपने फसल का रेट नहीं तय कर सकता। विदेशी कंपनी फोन ले लीजिए आप, ये विदेशी कंपनी भारत में आकर के अपना अधिकार जमा करके और मोबाइल का रेट तय करती कि 18,999 रुपए का बेचेंगे। हम सभी किसान और सब लोग इसको लेते हैं, हम बाइकाट नहीं करते हैं। और किसान रात दिन मरता है, फसल को तैयार करता है, उसके बाद जब वो लेवी पर जाता है अपना फसल बेचने के लिए तो वहाँ के अधिकारी महीनों
बल नहीं लगवाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसमें 25% हम खरीदेंगे, 2 महीने के बाद पैसा देते हैं, ठीक ना। तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा मैं छोटा सा उदाहरण दूं, 1967 में गेहूं का दाम जो है 76 रुपए प्रति क्विंटल, और एक प्राइमरी जो टीचर होता है उसकी मासिक तनख्वाह थी 70 रुपए, वो 1 क्विंटल गेहूं अपनी मासिक तनख्वाह में नहीं खरीद सकता था, और आज उसे 80,000 मिल रहा है और हमारा गेहूं का दाम 2110 रुपए। सरकार का तो नारा है कि पाई पाई से किसानों की भलाई, पाई पाई से गरीबों की भलाई, तो कैसे यही पाई पाई तक भलाई है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने फोटो लगा लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा का फोटो लगाया, और उन्होंने खंडन करा कि ये सब सरकार झूठ बोल रही है मेरा फोटो लगा कर, और सरकार ने जो है केवल पोस्टर बॉय लगा रखे हैं, किसी का फोटो लगाया, हंसते खेलते उनका चित्र लगा दिया, और सरकार केवल निकम्मी झूठी है। ये महात्माओं की नंगों की सरकार है, ये खुद भी नंगे हैं और हमें भी नंगा कर देंगे। आप लोगों का क्या कहना है? जी मैडम पूछिए। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? पहले मैं आपको अपना, अरे भाई हमारे लोग कैमरे के, भारतीय किसान यूनियन राजनीति के खिलाफ अध्यक्ष कानपुर देहात से मैं आया हूँ, और हमारे साथ 1,500 समर्थक आया है, और हमारी मांगे यही है कि इतना आवारा पशु है ये, हमारे किसान को सबसे पहले किसान की पीड़ा सरकार समझे कि कैसे, अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो आप लोग खाओगे कैसे, जब हमारा हमारी फसल का सब मूल्यांकन हमारे पशु चल जाएंगे तो हम लोग क्या किसान खिलाएंगे? हमारे किसान की अन्न दानों की परेशानी है, और बिजली समस्या, जो माननीय योगी जी ने कहा था कि हमारे किसान भाइयों को 2 रुपयों की बिजली और घर की बिजली फ्री मिलेगी, वो भी कोई बिजली की कोई उचित बात नहीं हुई, केवल प्रस्ताव हो गया, कोई पारित नहीं हुआ, कुछ केवल झूठापन है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं सरकार से कोई बातचीत हुई? अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया कि आप लोगों को कोई आश्वासन दिया? सरकार की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव लेके जाओ तो जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो गुंडे टाइप के हैं, वो तो ये कहते हैं कि ये मानो तो मानो, नहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमा उठा के लिख देंगे। तो गुंडा राज तो योगी राज में खत्म हो गया है। तो ये जो सरकारी है, ये जो सरकारी कर्मचारी, ये तो गुंडागर्दी करते हैं, ये किसान के साथ करते हैं। कोई बेसहारा किसान पहुंच गया, उसको धक्का के भगा दिया, भगिए यहाँ से, वो 20-25 दिन महीनों विद्यालयों के चक्कर काटता रहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए कि हम लोगों को हमारा हक मिले, हमारे आवारा पशुओं को और हमारी जो बिजली की समस्या है उसको दूर की जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मैटर पर, जानवर के मैटर पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान दें, तो हमारे किसान अन्नदाता कम से कम अन्न उगा पाएंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, तेज बोलिएगा दादा, ये कहना चाहते हैं जानवरों के लिए व्यवस्था की जाए, क्योंकि फसल सब नष्ट हो रही है, खा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, और गेहूं का मूल हमारे पास आ जाता है तो 10 रुपए किलो है, हैं, और सरकार के पास पहुंच जाता है तो 30 रुपए किलो है, और जो है वो क्या, अरे नाप है कुमारिया नहीं है, आवारा पशुओं के लिए, हाँ सब हैं, तो उसके लिए जो है व्यवस्था की जाए। आप लोगों ने अपनी मांगे रखी? हाँ मांगे रखी, और ये जो गौशाला बने हैं उनका जो राशन आता है वो सब वितरण कर लेते हैं, उनके लिए कुछ है ही नहीं, प्रधानों को, प्रधान लोग वो सब खा जाते हैं, ये है सब। आप क्या कहते हैं? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कानपुर जिला, तेज बोलिए भैया, जिला कानपुर देहात से मैं अध्यक्ष जी के साथ हूँ। अध्यक्ष जी ने जो कहा कि किसान बहुत परेशान है गायों की वजह से, जो सड़कों पे और यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत सारे पशु आवारा घूम रहे हैं, उनके लिए गौशालाएँ भी बनी हैं, लेकिन गौशालाओं में कोई जानवर बंद करते हैं, हम लोग किसान दिन में बंद किया शाम को छोड़ दिया, ये चल रहा है। प्रधान है जो, वो अन्न आता है किसान जानवरों के लिए, तो घास वास भूसा वूसा तो वो अपने घर ले जाते हैं, अपने घर रखते हैं जानवर, भूसा का घर में करते हैं, ये बहुत बेच लेते हैं ना वो लोग बेच देते हैं। भी ध्यान रखो, इधर भी ध्यान। अब 10 क्विंटल आया कहीं से तो 2 क्विंटल पहुंचा,
8 क्विंटल नहीं पहुंचा वहां पे, हमारे लखनऊ के ट्रैक्टर भी नहीं आ पा रहे, बिचौलिया भेज देते हैं, बीच ही में भेज देते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं किसान परिवार से नहीं हूं, मगर पिछला जो आंदोलन हुआ था लखनऊ में 20 साल 1.5 साल पहले, जब सरकार ने ये कहा था कि हम MSP बिल पे आएंगे, हम सारी इनकी समस्याओं को सुनेंगे, जानवरों की समस्या जैसे कि भैया ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार पिछले 9.5 साल से सिर्फ और सिर्फ हम किसानों को भटकाने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है। ये कई बार इसने मोदी सरकार ने जाटों किसानों और मुसलमानों किसानों को लड़ाने का जिस तरीके से भरकत प्रयास किया, ये टुकड़े करना चाहता था नरेंद्र मोदी। और आज भी MSP पे भी या किसी भी और चीज़ पे, गन्ना आप ले लीजिए, गन्ने के मूल अभी तक नहीं मिले हैं। तो मैं क्योंकि किसान परिवार से नहीं हूँ, मगर मैं किसान और मजदूरों से जुड़ा हुआ हूं, मैं इनके आंदोलन में पिछले 1.5 साल से जब से शुरू हुआ, उससे पहले का नहीं मैं जुड़ा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मगर जो पिछला आंदोलन हुआ उस पर भी मैं था और आज भी मैं यहां आया हूं। और ये भाई साहब जैसे कि कह रहे थे बहुत धीरे बोल रहे थे, मुझे लगता है कि आवाज़ को बोला बुलंद करके किसानों को बोलना चाहिए, जब भी आप आते हैं तो अपनी आवाज़ को और बढ़ चढ़ के बुलंदी से करिए, ताकि सरकार को किसी ना किसी तरीके से अपने नीचे दबाया जा सके, अपने कानूनों को लागू कराया जा सकते, अपनी जितनी भी ज़रूरतें उसको MSP है या जो भी है आपकी समस्या है उस पर आपको जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए। जनता के लोग भी आपके बीच में है, मैं जनता का प्रवक्ता होकर मैं 9.5 साल की जो कांग्रेस की सरकार है उसके लिए लड़ा भी हूँ और आप लोगों के बीच समक्ष के बीच हूँ। तो मैं आज मोदी के 9.5 साल के कार्यकाल में आप सभी के बीच में एक गाना भी रखना चाहता हूँ, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेकू लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, मैं वो नहीं, मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियां आने, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया। यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे जो, मैं हूँ वही अडानी अंबानी को एक नंबर पे जो पहुँचा दे जो, मैं हूँ वही तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है दुनिया में मूल आने, अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेकू। जय हिंद वंदे मातरम, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। तहसील के अगल बगल में हजारों बीघे जलमग्न भरी हुई है, जिसमें हजारों क्विंटल गेहूं धान बेकार हो रहा है और तहसील के नजदीक है। और हमारे गांव के अगल बगल में जो किसानों को पट्टे हुए थे, भूमि माफियाओं ने कब्जा नहीं लेने देते हैं और तहसील अध्यक्ष और SDM से और पुलिस प्रशासन से मिलकर के किसानों का कब्जा हक नहीं दिलवाने का काम करते हैं। ये मैं कहता हूँ इस सरकार में जो धांधल गतियाँ हो रही हैं कभी नहीं हुई है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छा सर, मैं जिला बिजनौर गांव इस्लामाबाद से आया हूँ और हमारा जो मेन मकसद है इस सरकार को बताना है कि ये जो झूठी सरकार है और झूठ बोल कर जो काम कर रही है ये ना करे, क्योंकि सच्चाई में दम है, जो सच्चाई से लड़ा है उसकी हमेशा विजय हुई है। आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी ने एक रावण को सच्चाई के आधार पर ही मारा था और हम सरकार को जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को।
मीडिया तो सच्चाई को इस्तेमाल कर रहा है, नहीं सच को निकलने वाला ऊपर जाता है। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि वे धोखा न दे और जो हमारे MSP है या जो जनता की परेशानी है उसको दूर कर दो। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ खुशी से नहीं आए, हम मजबूरी में आए हैं और ये जितने किसान आए हैं ये सब अपनी मजबूरी लेकर के आए हैं और इनकी मजबूरी अगर सरकार सुनती है तो ये वापसी होंगे, वरना ये यही धरना देंगे। और मैं ये चाहता हूँ सच्चाई से लड़ने वाला कभी व्यक्ति रुकता नहीं और कितनी भी परेशानी पड़े वह झुकता नहीं, हमेशा सत्य की विजय हुई है और सत्य का हमारा संगठन है, सत्य पर चल रहा है, हमारी जीत होगी और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं किसानों के लिए एक बात यहां पर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसान 2013 को ना भूलें, जब देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को हिंदू मुस्लिम किसानों को आपस में जिस तरीके से लड़ाकर इतने मुसलमानों को नीचा दिखाते हुए सत्ता में आने का काम किया था, नीच काम, और 2019 में जवानों की शहादत की थी इसने, जब 42 जवान शहीद हुए थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इस बार जाति का समीकरण न बनाइएगा, जाति की कोई बात मत बनाइएगा, एकजुट होकर सारे हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे सत्ता से बाहर करते हुए मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम करेगा। मैं सारे किसानों से एक बार कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से आप अपनी आवाज के लिए बुलंद आवाज कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जो आपके प्रश्न है उसके जो जवाब लेने आए हैं वो भी दीजिए। 2024 में भरपूर ताकत से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का काम करें। कहता हूँ कि इतना गोरू आवारा है कि 3 बीघा खेत उसमें 3600 रुपया जुटाया है, 3600 4 12 12000 रुपया आगे सिंचाई, और रात में एक दिन नहीं गिने तो पूरे पहले के पूरा चरा चरी। अब बताता हूँ गवर्नमेंट की बात है, मैं वो कर्जा दे, गवर्नमेंट तो 6000 दे रही ना किसान, गवर्नमेंट तो 6000 दे रही, कहाँ दे रही, 2000 दे रही, वो कह रहा अगर 4000 रुपया हिल गुआ तो किस पे नहीं देगा, बैंक तो उठा के अपने खाते में डाल लेते, तो कब दे रहे। किसान के लिए तो सरकार के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो रही है, आप कह रहे हैं कि और क्या दुगनी नहीं हो रही, किसानों जेल में जा रहा हूँ, क्या खत्म है बचवा में भूमि नहीं होती है योगी हमारे जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जमीन 700 एकड़ जमीन कब्जा किया गया है, वो भी हमारे गांव के लोग किए हैं, बड़े बड़े लोग आसान किस गांव से है, किस जिले से, प्रयागराज से है, करछना विधानसभा से है, किसानों क्या है माइनस में दुगनी की जा रही, प्लस में नहीं माइनस में नहीं। प्रधानमंत्री जी और योगी सरकार तो कह रहे हैं कि किसान की आय दुगनी हो रही है, आने वाले टाइम में वो हवाई जहाज से चलने वाले, इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए कि माइनस में हो गए हैं, प्लस में नहीं जा रहे हम लोग, माइनस में जा रहे हैं, कोई भी बहुत जी क्या आज यहाँ पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी मांग को लेकर के, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे, हम लोग धरना देंगे, किस जिले से, कानपुर,
सरकार को लगा। आगे जिस तरह से सरकार कह रही है कि जो छुट्टिया मौजूद है उनके लिए इंतजाम हो चुका है, किसानों की आय दुगनी हो रही है, तो आपके हिसाब से वाकई में कहीं नहीं कुछ नहीं, किसान को भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, सारे सीधे किसान को भगाया जा रहा है। तार लगाइयो तो कल अंदर तो कल कल लगाइयो तो कल कल पुलिस वाले आ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हाथ बांट कर हमारे यहाँ से प्रयागराज से मुगल सराय तक दूसरी लाइन का काम हो रहा है, बिछ रहा है, वो उचित मुआवजा जो कि रेलवे है मतलब रजिस्ट्री कराती है, उसका मतलब रजिस्ट्री कराती है, मतलब 384,000 का, और जमीन का पैसा दे रही है 84,000 रुपए बिस्सा। बताइए आदमी जो खरीदा है, खरीदा वो कैसे रहे, और 14,00,000 का बिस्सा भी खरीदा है, जमीन का मुआवजा नहीं दिया, जबरन जमीन कब्जा किया। बिजली का खम्मा मोदी जी का, बिजली तो उत्तर प्रदेश सरकार जो किसानों को फ्री दे रही है, मोदी दे रहे, अरे एक घंटे पहले फिलहाल वाले एक यानी 100 वाट के बल्ब चल रहा है, तो 100 रुपया बोल रहा है, अभी 15 वाट के बल्ब चल रहा है तो 350 रुपया आ रहा है। मोदी जी के यानी 7,000 रुपया क्विंटल तार लेके आओ जाए, खतमा जिन कोई चाहते पुलिस वाले आ रहे, कल तार लगा रहे, चल मोदी कौन की तार हटाई, तारा लगा के लेके थोड़ा 7,000 रुपया दिन में ना किसान सोए ना रात में सोए, किसान इस समय ये माहौल है कि किसान खेत में खाना खा रहा है, किसान अपने घर नहीं जा पा रहा है, अभी ठंड आ रही है, अभी ठंड में किसान पूरा खेत में सोएगा, और बड़े बड़े अधिकारी और नेता सब गर्म एसी में सोएंगे, और किसान सोएगा अपने खेत में, फिर वो गेहूं उगाएगा उसका मूल्य भी उसको नहीं मिलेगा। किसानों का न्याय के न्याय बोलो, किसानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खूब करो मनमानी, अभी न चली तुम्हारे को मनमानी घूमते फिरते रहते हैं, गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, महंगाई के हिसाब से गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, महंगाई कितनी है, गन्ने का रेट क्या है, भाव के हिसाब से रेट के हिसाब से महंगाई के हिसाब से गन्ने का रेट पूछो तो 500 रुपये बैठे आज मिल जा रहे 300 रुपये बीमार के, चलो कितनी मेहनत है, किसान की दवाई का खर्चा, मेहनत का खर्चा, लेबर का खर्चा। ठीक है दादा, आपकी जो आप चीजें हैं दिखाएंगे, पूरी जनता को दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, और ये सरकार तक भी पहुँचाया जाएगा, आप लोगों को मांगे आपने देखा कि यहाँ पर किसान जो इकट्ठा हुए हैं, किस तरह से उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो यहाँ पर आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही उनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसानों के हित में बहुत सारे काम किए गए हैं, किसानों की आय दुगनी हो रही है, किसानों के लिए किसानों की जो MSP का वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इन तमाम बातों के साथ आज यहाँ इको गार्डन में किसान धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम आज यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन सूरत के साथ मैं सुनम सिंह, TV24 लखनऊ।